प्रणाम महाराज। प्रणाम। हे महाराज, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहिए रानी, क्या मांगना चाहती हैं आप? महाराज, अपने विवाह को कितने वर्ष बीत गए, परंतु महाराज अभी तक मुझे संतान का सुख प्राप्त ना हो सका। महाराज, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ईश्वर, क्या मैंने संतान ही संसार से चला जाऊंगा? मुझ पे दया करो प्रभु, मुझ पे दया करो। हे दीनानाथ, मुझ पे दया करो प्रभु, मुझ पे दया करो। हे घट घट के वासी, इस वंश को चलाने के लिए हमारी गोद में एक लाल दे दो प्रभु। तुम्हारी रानियों को दो वर प्रदान करता हूं, जिसके फलस्वरूप इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक वर से 60,000 पुत्र और दूसरे वर से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आप लोग निर्णय कर लें कि किसे क्या चाहिए। जी मुनिवर। पुत्र दीजे हर साल
प्रणाम महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी केसी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। क्या? हे महाप्रभु, आज मेरे वंश को चलाने वाले पुत्र ने जन्म लिया है। दासी, ये लो अपना इनाम। और दासी, आप चुप क्यों खड़ी हो? सुमति की क्या खबर है? अंदर आने दो। क्या बात है? दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। कहिए क्या कष्ट है? महाराज, हम सब आपके पास एक फरियाद लेके आए हैं। महाराज, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच कहें। महाराज, राजकुमार असमंजस ने बहुत उत्पाद मचा के रखा है। महाराज है? महाराज, ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो कई बालकों को पैर पकड़ के सरयू नदी में फेंक दिया। महाराज, महाराज, आज आपको इंसाफ करना ही होगा। महाराज, ठीक है, हम पता लगाते हैं। राजा सगर इसी प्रकार यज्ञ करते रहे तो एक दिन ये मेरी गद्दी पर आसीन हो जाएंगे। इनका यज्ञ कैसे विध्वंस हो, इसके लिए कोई उपाय करना ही होगा। महाराज की जय हो। महाराज, हमने सारी पृथ्वी
और पाताल में अश्व की खोज कर ली है महाराज, परंतु अब तक अश्व का कुछ भी पता नहीं चला है महाराज। क्या कह रहे हो, अब तक अश्व का पता नहीं चला? हे मुनिराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्रभु। नहीं हे प्रभु, मेरे पुत्रों ने जो अपराध किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। शांत हो जाइए कृपा कर ऋषिराज, शांत हो जाइए। देखिए पृथ्वी लोक की धरती पर राजा सगर अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर बुला रहे हैं। क्या ऐसा होना संभव होगा? हरी की लीला हरी ही जाने। माता गंगे, मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आपको धरती पर आना ही होगा। माँ आना ही होगा। जिनके मर गए ला।
पर छोड़ा कंकाल, भागीरथ को खबर लगी जब। राजा रो रो भय बेहाल, राजपाठ अब कौन संभाले, कोई नहीं इनका रखवार। भागीरथ मंत्री से बोले, तुम गद्दी को रखो संभाल, प्रजा जनों का पालन करना, सबको रखना तुम खुशहाल, मंत्री जी मुझे तब के लिए जाना ही होगा। मेरे पूर्वज मोक्ष को तरसे और मैं राजसुख भोगूं, धिक्कार है, धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है। भागीरथ, अगर गंगा को पृथ्वी पर लाना है तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी, क्योंकि यूं गंगा का पृथ्वी पर आना आसान नहीं है, क्योंकि उनके वेग को शिव के सिवाय कोई सहन नहीं कर सकता। जो आज्ञा महाराज। की कहीं न जा, हर
सुचक्षु सीता, महानदी और सिंधु, ये तीन धारा पश्चिम की ओर चल पड़ी। सातवीं धारा भागीरथ के साथ उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए चल पड़ी।